जे भीम फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं कि 20वीं सदी के अंदर जब बाबा साहब अम्बेडकर 1930-1925 के आसपास अछूतों के साथ में किस तरह का भेदभाव होता था, किस तरह की अनटचेबिलिटी होती थी, किस तरह का छुआछूत उनके साथ में प्रैक्टिस किया जाता था, इसके बाबा साहब अम्बेडकर ने कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं, उनको आज की इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। इस वीडियो से और इस वीडियो में एक्सप्लेन की चीज़ों से काफ़ी कुछ अनटचेबिलिटी छुआछूत के बारे में काफ़ी कुछ पता लगेगा और किस तरह से छुआछूत होती थी उसके बारे में काफ़ी पता लगेगा। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम बाबा साहब अम्बेडकर की बुक एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के चैप्टर नंबर 2 के अंदर चलते हैं। तो फ्रेंड्स, हम आगे हैं चैप्टर नंबर 2 के अंदर। तो इस चैप्टर नंबर 2 का मैं बेसिक आइडिया दूँ तो बेसिक आइडिया इसका यह है कि इस चैप्टर के अंदर बाबा साहब अम्बेडकर ने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया है कि बिना धार्मिक और सामाजिक क्रांति के राजनीतिक क्रांति आ ही नहीं सकती। मतलब अगर राजनीतिक सत्ता चाहिए तो धार्मिक और सामाजिक रूप से स्ट्रांग होना पड़ेगा, तो ही राजनीतिक सत्ता पाई जा सकती है, तभी वो राजनीतिक सत्ता स्टेबल हो सकती है। साथ में ये भी एक्सप्लेन किया है कि अगर अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ना है और एक स्ट्रांग अगेंस्ट पावर जनरेट करनी है अंग्रेजों के अगेंस्ट में और हिंदुओं को एक करना है, तो उसके लिए हिंदू समाज में सुधार लाने पड़ेंगे, तो ही हिंदू समाज एक हो पाएगा और तो ही वो अंग्रेजों के खिलाफ एकजुट होकर लड़ सकेगा। इस चीज़ को इस चैप्टर में एक्सप्लेन किया है। इसका डिटेल वीडियो आप चैनल के हमारे चैनल के प्लेलिस्ट एनिहिलेशन ऑफ कास्ट की जो प्लेलिस्ट है उसके चैप्टर नंबर 2 वाले वीडियो के अंदर जाके इस चैप्टर का पूरा डिटेल्ड वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो के अंदर सिर्फ हम जो अनटचेबिलिटी की कुछ इंसिडेंट्स जो कि इस चैप्टर में बाबा साहब ने एक्सप्लेन किए हैं उनको एक्सप्लेन करेंगे। तो पहला जो एग्जांपल लिया है बाबा साहब ने वो लिया है जो पेशवा काल चल रहा था, ठीक है, महाराष्ट्र के अंदर जो पेशवाओं का जब राज था, पेशवा ब्राह्मण थे, इस चीज़ का हमें कन्फ्यूजन नहीं करना। जो मराठा है वो शूद्र होते हैं, जो पेशवा थे वो ब्राह्मण थे, और हम बात कर रहे हैं पेशवाओं के काल के दौरान अछूतों की क्या स्थिति थी, यानी कि जो ब्राह्मण है, ब्राह्मणों का जब राज था उस वक्त अछूतों की क्या स्थिति थी महाराष्ट्र के अंदर, उसकी हम बात कर रहे हैं। तो जिस वक्त पेशवाओं का राज चल रहा था महाराष्ट्र के अंदर, उस वक्त अछूतों को शहर के अंदर पब्लिक स्ट्रीट्स यूज करने का, अगर कोई हिंदू उनके सामने आ जाए तो अछूतों को चाहिए कि वो उनके सामने से हट जाए, ताकि जो अछूतों की छाया है, शेडो है, वह हिंदुओं पर ना गिरे, क्योंकि हिंदुओं पर उनकी परछाई गिरने से हिंदू अपवित्र हो जाएंगे, है ना। तो इसलिए उनको उनकी छाया उन पर नहीं गिरनी चाहिए। इसीलिए टाइमिंग्स डिसाइड थी कि जो अनटचेबल्स है वो दोपहर के दौरान ही आए, क्योंकि दोपहर के दौरान क्या जो छाया है वो काफ़ी कम होती है, ठीक है, तो किसी भी हिंदू के अपवित्र होने की संभावना कम हो जाती है, इसलिए दोपहर के दौरान ही आने की इजाज़त थी, और सुबह और शाम को जब परछाई ज़्यादा लंबी होती है उस वक्त आने की परमिशन नहीं थी। और दूसरा बाबा साहब आगे बोलते हैं कि जो अनटचेबल्स थे, अछूत थे, उनको क्या है, एक ब्लैक थ्रेड, एक काला थ्रेड बांधना पड़ता था अपनी कलाई पर या गर्दन पर, ताकि पता लग जाए कि ये जो सामने बंदा आ रहा है वो अछूत है और हिंदू उससे दूर हो जाए, ताकि अछूत वो हिंदू को टच ना कर पाए, क्योंकि अगर टच कर देगा तो हिंदू भ्रष्ट हो जाएंगे, उनका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, वो पवित्र हो जाएंगे, है ना। तो इस तरह की चीज़ की जाती थी। और इस चीज़ का हम कोरिलेट कर सकते हैं नाजी जर्मनी के टाइम पर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जब यहूदियों के साथ में कितना भेदभाव किया गया था, उनका नरसंहार किया गया था, तो तब यहूदियों के साथ में भी यही था कि उन्हें अपने शोल्डर पर, अपने आर्म्स पर एक मतलब पट्टा बांध के रखना पड़ता था, एक पर्टिकुलर कलर का, जिससे आइडेंटिफाई हो जाए कि यहूदी है ना। उस वक्त भी इस तरह के नियम लगाए गए थे यहूदियों पर जर्मन्स के द्वारा, ताकि उनके साथ में अच्छी तरह से भेदभाव किया जा सके, उनके साथ में मतलब उनके साथ में ज्यादा अन्याय किया जा सके। आगे बाबा साहब बोलते हैं पुना जो कि कैपिटल थी पेशवाओं की, पेशवा ब्राह्मणों की जो राजधानी थी पुना, उसके अंदर अगर कोई अनटचेबल आता है तो उसे क्या है, एक झाड़ू अपनी कमर से बांध के रखनी पड़ती थी, ताकि जब वो चले तो पीछे से उसके कदम जहां पर गिरे हैं वो साफ हो जाए, ताकि अगर गलती से भी किसी हिंदू के कदम अगर उसके चले हुए कदमों पर पड़ जाएंगे तो वो अपवित्र हो सकता है, इसलिए झाड़ू बांधी जाती थी ताकि उसके कदम साफ होते जाए। साथ में ही उस अनटचेबल को एक गले के अंदर एक मटका बांध के रखना पड़ता था, ताकि अगर कभी थूकना हो तो वो उस मटके के अंदर ही थूके, जमीन पर ना थूके, क्योंकि अगर जमीन पर थूक देगा तो अगर किसी हिंदू का पांव उसके थूके पर पड़ गया तो वो हिंदू अपवित्र हो सकता है, इसलिए उसे मटका बांध के रखना पड़ता था, ताकि कोई हिंदू उसके थूके पर पांव रखकर अपवित्र ना हो जाए।
तो इस तरह का भेदभाव हुआ करता था अछूत जातियों के साथ में, अनटचेबल्स के साथ में, पेशवाओं के काल के अंदर। फिर बाबा साहब आगे एग्जाम्पल लेते हैं कंटेम्पररी, उस वक्त का एग्जाम्पल लेते हैं कि 4 जनवरी 1928 के अंदर टाइम्स ऑफ इंडिया में एक रिपोर्ट छपी थी जिसमें एक अनटचेबल कम्युनिटी बलाई के साथ में किस तरह का भेदभाव होता था, किस तरह के उस पर अमानवीय नियम लगाए गए थे, उनको एक्सप्लेन किया गया है। बलाई कम्युनिटी एक सेंट्रल इंडिया की कम्युनिटी है, सेंट्रल इंडिया की अनटचेबल कम्युनिटी है, जो कि मोस्टली जयपुर के स्टेट में और इंदौर के स्टेट में, जयपुर जो कि राजस्थान में है, इंदौर जो कि मध्य प्रदेश में है, वहीं पर ये कम्युनिटी मोस्टली पाई जाती है। तो इस रिपोर्ट को टाइम्स ऑफ इंडिया में जो स्पेशल रिपोर्ट थी उसमें बताया गया है कि जो हायर कास्ट थी, राजपूत हो गए, ब्राह्मण्स हो गए और पटेल्स, पटवारी। अब पटेल्स वैसे देखा जाए तो टेक्निकली वैदिक धर्म के हिसाब से शूद्र होते हैं, लेकिन वो भी ये अपर कास्ट के साथ में मिलकर अनटचेबल्स का शोषण करने में पीछे नहीं रहते हैं, है ना। तो यही कारण है कि जो आज की ओबीसीज हैं, एक्चुअली ओबीसी आज की ओबीसी है वो खुद को क्षत्रिय ब्राह्मण समझती है, वो मानती ही नहीं है कि वो शूद्र हैं। टेक्निकली जो शूद्र हैं वो ओबीसी ही शूद्र हैं, है ना, लेकिन उनमें क्योंकि एक इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स है इसलिए वो खुद को शूद्र मानती नहीं है, और ब्राह्मण और क्षत्रिय ही समझने की बहुत बड़ी भूल करती है। इसी कारण से जो ब्राह्मण है हमेशा उनका ओबीसी का एक ओबीसी को एक मानसिक गुलाम बना के रखते हैं, और मानसिक गुलाम बने हुए हैं ओबीसी ब्राह्मणों के। तो यहाँ पर हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो ये ओबीसी हैं वो भी इन राजपूत ब्राह्मण के साथ मिलकर यहाँ पर जो ये गांव बताए गए हैं, बिछोली मर्दाना, बिछोली हाफसी और 15 और गांव, यहाँ पर बलाइयों का इन्होंने मतलब बहुत ही खराब इन पर नियम लगाए। नियम क्या लगाए, इनको कहा गया कि हम आपको ये नियम बता रहे हैं, इन नियमों को आपको मानना पड़ेगा, अगर इन नियमों को आप नहीं मानोगे तो आपको इन गांव में रहने की परमिशन नहीं दी जाएगी। अब नियम क्या थे, नियम ये थे कि जो बलाई हैं वो जो पगड़ी पहनते हैं, यहाँ राजस्थान के अंदर और एमपी के अंदर गांव के अंदर पगड़ी पहनी जाती है, तो बलाइयों पर नियम लगाया कि वो पगड़ी पहनेंगे वो गोल्ड कलर की पगड़ी नहीं होनी चाहिए, और जो बलाई हैं वो जो धोती पहने वो कलर या फैंसी बॉर्डर नहीं होने चाहिए उस धोती के, और अगर कोई हिंदू मर जाता है तो उसके परिवार को, उसके रिश्तेदार को सूचना देने के लिए बलाइयों को जाना पड़ेगा, चाहे से कितनी ही दूर क्यों ना जाना पड़े उनको जाना ही पड़ेगा, उनके लिए एक मैंडेटरी था। और सभी तरह की हिंदू मैरिजेस के अंदर बलाइज म्यूजिक वगैरह प्ले करेंगे, म्यूजिक प्ले करेंगे ड्यूरिंग द मैरिज, और बलाई वुमेन जो बलाई महिला है वो गोल्ड और सिल्वर के ज्वेलरी नहीं पहन सकती, है ना, फैंसी गाउन नहीं पहन सकती। और बलाई वुमेन हिंदू वुमेन की जब प्रसूति प्रेग्नेंट और डिलीवरी होती है उस वक्त उसे जरूर अटेंड करना है डिलीवरी को, ताकि वो हेल्प कर सके, और बलाई अपनी हर तरह की सर्विसेज हिंदूज हायर कास्ट हिंदूज को देंगे और बदले में किसी भी तरह का मेहनताना का डिमांड नहीं कर सकते। अगर जो बलाईज हैं वो इन नियमों को नहीं मानेंगे तो उनको ये गाँव छोड़ के जाना पड़ेगा। अब आगे हुआ ये कि इस तरह के नियम बलाईज पे लगा दिए गए, अब यहाँ पर बलाई समाज की तारीफ की जानी चाहिए कि उन्होंने इन नियमों को मानने से मना कर दिया, उनकी मतलब तारीफ की जानी चाहिए चीज के लिए कि उन्होंने इन अमानवीय नियमों को मानने से मना कर दिया और उस जगह को छोड़ना, उन गांवों को छोड़ना ज्यादा पसंद किया बजाय कि इन अमानवीय नियमों को मानने का। इसके लिए बलाई समाज की, अनुसूचित जाति में जो ये समाज आता है उसकी तारीफ की जानी चाहिए कि इतना सब कुछ, इतना कमजोर होने के बावजूद, एक अनटचेबल कम्युनिटी होने के बावजूद, अनुसूचित जाति होने के बावजूद, जिनके साथ में इतना जबरदस्त भेदभाव किया जाता था और जिनके पास में एक तरह से देखा जाए तो कोई पावर थी ही नहीं, है ना, इसके बावजूद भी उन्होंने गट्स दिखाए और इन नियमों को मानने से मना कर दिया। तो फिर हुआ ये कि जब इन्होंने ये नियम मानने से मना कर दिया तो हिंदुओं ने उनके साथ में भेदभाव करना स्टार्ट कर दिया, उनको गांव के कुएं से पानी लेने से मना कर दिया और उनकी कैटल को, उनके जो भी मान लो मवेशी कोई भी गाय भैंस थे उनको चराने से, उनके दूसरे हिंदुओं के खेतों पर चराने से मना कर दिया। और साथ में ही जो बलाईज हैं वो हिंदुओं की जमीन पर नहीं जा सकते, ऐसा बोल दिया। अब अगर कोई बलाई है जिसका खेत चारों तरफ से हिंदुओं की जमीन से घिरा हुआ है तो एक तरह से देखा है तो वो खुद की जमीन पर जा ही नहीं पाएगा, ठीक है, इस तरह के रेस्ट्रिक्शंस हो गए। साथ में हिंदुओं ने ये किया कि अपने खुद की कैटल, खुद के मवेशियों को बलाइयों के खेतों में छोड़ दिया ताकि उनकी फसलों को बिल्कुल खत्म कर दिया जाए। तो बलाईज ने इस चीज के लिए फिर एक पेटिशन सबमिट की दरबार के अगेंस्ट में भी हमारे साथ में इस तरह का भेदभाव हो रहा है, लेकिन उनको वहां से कोई भी रिलीफ नहीं मिला और एक तरह से काफी टाइम बीतता गया। तो वो जो बात कहते हैं जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड वाली बात है कि जस्टिस अगर डिले हो गया तो एक तरह से मतलब वो जस्टिस देना ही नहीं चाहते थे उस वक्त का जो भी रूलर था वहां का। तो इस कारण से फिर बहुत सारे बलाईज को वो जगह छोड़नी पड़ी, वो गांव छोड़ने पड़े और वो अपनी पत्नी और बच्चों के साथ में उन गांवों को छोड़कर जहां पर वो सदियों से
रहते आ रहे थे, जहां पर उनके पूर्वज सदियों से रहते आ रहे थे, उनको वो गांव छोड़ने पड़े और दूसरी जगह, दूसरे गांव में, दूसरी जगह जाना पड़ा। धार, देवास, बागली, भोपाल, ग्वालियर, दूसरे गांवों के अंदर जाना पड़ा। आगे बाबा साहब एक और एग्जांपल देते हैं। गुजरात के अंदर एक कविता नाम की जगह है, वहां पर जो कविता के जो नमक जगह पर जो अनटचेबल्स रहते थे, उन पर भी काफी जातियां की जा रही थी उस वक्त। उनको ये कहा गया था कि तुम अपने बच्चों को जो स्कूल है, विलेज स्कूल है, सरकारी है, गवर्नमेंट स्कूल है, उसमें नहीं भेजो, है ना, क्योंकि हमारे बच्चे भी जो हायर कास्ट हिंदू बोलते हैं, हमारे बच्चे भी उसी स्कूल में आ रहे हैं, तुम्हारे बच्चे उसमें आएंगे तो हमारे बच्चे अपवित्र हो जाएंगे। तो मतलब जो अछूतों के बच्चों को हो, सरकारी स्कूल में भी नहीं जा सकते। कारण, क्योंकि वहां पर जो हायर कास्ट हिंदू के बच्चे हैं तो वो उनसे टच होकर, उनके पास में रहकर अपवित्र हो जाएंगे, उनका धर्म भ्रष्ट हो जाएंगे, इसलिए अछूतों के बच्चों को सरकारी स्कूल में जाने से मना कर दिया गया। दूसरा एग्जाम्पल बाबा साहब देते हैं, जानू नाम की एक जगह है, विलेज, एक जानू नाम का एक विलेज है जो कि अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, गुजरात के अंदर। वहां का एग्जाम्पल देते हैं कि नवंबर 1935 के अंदर कुछ जो अनटचेबल वुमेन है, कुछ अछूत महिलाओं ने, जो कि वेल टू डू फैमिलीज की हैं, जो कि अच्छी खासी मतलब एक मतलब अनुसूचित जाति में आती हैं, लेकिन एक अच्छा खानदान से, एक अच्छी वेल टू डू फैमिली जो कि फाइनेंशियली थोड़े से स्ट्रांग है, उस फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो वो गांव की कुएं से जब पानी लाने गए तो मेटल पोट्स यूज किए उन्होंने, है ना, मेटल पोट्स मतलब जो घड़े हैं वो मेटल के यूज किए। तो हिंदूज ने जब ये देखा कि ये मतलब दलित जाति के लोग हैं, अनुसूचित जाति के लोग हैं, ये मेटल पोट्स यूज कर रहे हैं, तो एक तरह से उनका जो ईगो है वो हर्ट हो गया, है ना, और इस चीज के लिए उन्होंने फिर उस अनटचेबल वुमेन्स को असोल्ट किया और मना किया कि तुम भाई मेटल पोट्स, ये मेटल के जो घड़े हैं, इनको यूज नहीं कर सकते। मतलब कोई अनुसूचित जाति की महिला लोग हैं, अगर वो एक मेटल पोट यूज कर लेंगे तो उससे हिंदू हायर कास्ट हिंदूज का ईगो हर्ट हो जाता है। स्ट्रेंज, स्ट्रेंज क्या मतलब, नॉर्मल है, यहाँ इंडिया में ऐसे ही होता है। और आगे एक और एग्जांपल देते हैं बाबा साहब की, आगे बाबा साहब एक एग्जांपल और देते हैं चकवाड़ा नाम के विलेज का, जो कि जयपुर स्टेट के अंदर आता था। उसमें एक अनटचेबल अनुसूचित जाति का बंदा जो कि तीर्थ यात्रा से आया था, तो ये खबर एक न्यूज़पेपर में छपी थी जिसको बाबा साहब कोट कर रहे हैं। तो वो बंदा जो अनटचेबल बंदा था, अनुसूचित जाति का बंदा था, वो एक तीर्थ यात्रा से वापस लौटा था, और तीर्थ यात्रा से वापस लौटने पर वो अपने समाज के लोगों को, मतलब एक तीर्थ यात्रा में लौटने पर फिर खाना खिलाते हैं, तो वो चीज़ कर रहा था, एक पार्टी दी थी एक तरह से देखा जाए तो, और उस पार्टी के अंदर उसने जो खाना बनाया था वो घी के अंदर बनाया था, बटर के अंदर, है ना। तो अब इस चीज से ही जो हायर कास्ट है उनको प्रॉब्लम होगी कि कैसे एक अछूत जाति के इंसान की हिम्मत हुई कि उसने घी के अंदर खाना बनाने की हिम्मत की, है ना। घी मतलब उनकी नज़र में जो घी है वो सिर्फ ऊंची जातियों के लिए ही होता है, और नीची जाति के लोग, स्पेशली अनटचेबल्स, वो घी के अंदर खाना नहीं बना सकते। तो अब क्योंकि इस अनटचेबल ने जो कि तीर्थ यात्रा से आया था और उसके बाद में उसने एक खाना खिलाने की जो भी रस्म है अपने समाज के लोगों को वो करी, और खाना था वो घी के अंदर बनाया, तो बहुत सारे जो उसके समाज के लोग हैं वो आए और आके खाने उस पार्टी को अटेंड किया। तो जब वो हायर कास्ट हिंदूज को ये पता लगा कि भैया ये अनटचेबल आदमी, अनुसूचित जाति का बंदा है, SC का बंदा है, इसने घी के अंदर खाना बनाया है, तो वहां पर हिंदू सबके सब पहुंच गए, लाठियां लेकर 100-200 के आसपास हिंदू वहां पहुंच गए, और उन्होंने उस खाने को बर्बाद कर दिया, वहां पर जो भी पंडाल वगैरह लगे थे सबको तोड़ताड़ दिया, और वहां पर जो भी उसके समाज के लोग आए हुए थे उस पार्टी को अटेंड करने के लिए, सबको भागना पड़ा अपनी जान बचाने के लिए। तो मतलब एक दलित जाति का इंसान, एक अनुसूचित जाति का इंसान खाने के अंदर घी भी यूज नहीं कर सकता। अगर वो उसको अफोर्ड कर सकता है घी को, तो भी वो यूज ना करे, क्योंकि अगर हायर कास्ट हिंदू को पता लग जाएगा तो इससे उसका ईगो हर्ट होगा। इसलिए एक दलित जाति के इंसान को मतलब घी यूज नहीं करना चाहिए। अब आप देखिए जो अनटचेबिलिटी और जो भेदभाव, वो किस कदर का, किस कदर मतलब सोचा भी नहीं जाता कि इस तरह का भेदभाव होता था। तो फ्रेंड्स, ये जो इस तरह के एग्जांपल्स हैं, इससे हमें बाबा साहब उस वक्त जो क्या सिनेरियो था अनटचेबल्स अछूतों के साथ में, किस तरह का भेदभाव होता था, किस तरह के क्राइम्स उनके, मतलब इतने छोटे छोटे इश्यूज पर भी उनके साथ में इस तरह के क्राइम्स कमिट किए जाते थे उनके अगेंस्ट में, इसका एक तरह से बाबा साहब ने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, और समाज को और पूरे देश को ये बताने की कोशिश की है कि आप कैसे हिंदूज को एकजुट करोगे जब आपस में उनमें इतनी फूट पड़ी हुई है, तो कैसे आप उनको एकजुट करोगे,
इस चीज को बाबा साहब ने इन एग्जांपल्स के थ्रू एक्सप्लेन करने की और समझाने की कोशिश की है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बाबा साहब अम्बेडकर के विचार ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। और स्पेशली इस वीडियो को तो ज़्यादा शेयर करें ताकि पता लगे कि भाई किस तरह की एट्रोसिटीज़ उस वक्त अछूतों के साथ में, अनुसूचित जाति के लोगों के साथ में हुआ करती थी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय भीम।